हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा इस साल की 5 फिल्मों के बारे में जिन्होंने 100 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार किया। ये साल कुछ ज्यादा खास नहीं रहा बॉलीवुड के हिसाब से, कुछ इक्की दुक्की फिल्में ही है जो एक अच्छा कमाल कर सकी बॉक्स ऑफिस पर, बट उसके अलावा बाकी फिल्में एक पानी कम चाय साबित जैसी हुई है। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिला इस बार फिल्मों को। पहली बात तो जो बॉलीवुड फिल्में हैं उनको अब कड़ा कंपटीशन मिल रहा है साउथ फिल्मों से, उसके अलावा हॉलीवुड फिल्मों से, यहाँ तक कि मराठी फिल्मों से। तो इस चक्कर में जो और ऊपर से क्रिकेट जो IPL चलता है, वर्ल्ड कप चलता है, उस वजह से काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन मिला। तो इसलिए इस साल कई सारी फिल्में जो है एक लंबा कलेक्शन कमाने में नाकामयाब साबित हुई है, लेकिन फिर भी कुछ 5 ऐसी फिल्में जिन्होंने ये आंकड़ा पार किया है। सबसे पहले साल में आई थी एयरलिफ्ट ने करीबन 128 करोड़ की करीबन अर्निंग की थी, 124 करोड़ तक की अर्निंग की थी। और इसके साथ ही साल की पहली फिल्म थी जो जनवरी में रिलीज हुई थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके अलावा जो दूसरी फिल्म की अब मैं बात करूंगा, जून में रिलीज हुई फिल्म थी हाउसफुल 3। जी हाँ, हाउसफुल 3 ने भी 100 करोड़ का बिजनेस पार किया, ये साल की दूसरी फिल्म बन गई। उसके बाद सुल्तान जो मूवी रिलीज हुई थी सलमान खान की, इस फिल्म ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, वो भी महज तीन दिन में पार किया था आंकड़ा 100 करोड़ का। उसके बाद जो चौथी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था वो थी रुस्तम। जी हाँ, अक्षय कुमार की 3 फिल्म का नाम आ गया, एयरलिफ्ट और उसके अलावा हाउसफुल थी और रुस्तम। और उसके बाद जो 5वीं फिल्म हो चुकी है वो है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म ने हाल ही में 100 करोड़ का बिजनेस पार किया। तो ये 5 फिल्में हो चुकी है जिसने 100 करोड़ का बिजनेस का आंकड़ा पार किया है इस साल में। अब देखने वाली बात है आने वाली जो फिल्में हैं, ए दिल है मुश्किल, शिवा है, या तो उसके अलावा जो आमिर खान की फिल्म आ रही दंगल, ये किस तरह से 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, क्योंकि ये सभी बड़ी फिल्में हैं। बट कहीं ना कहीं इस साल में बहुत कम फिल्में हैं जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, और कहीं ना कहीं अक्टूबर अब चालू हो चुका है तो बहुत कम वक्त बचा है फिल्में जो बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए इस साल के लिए। तो इस साल कुछ ज्यादा रुखा रहा है बॉलीवुड के लिए, कुछ ज्यादा खास साल नहीं रहा है, बट स्टिल कुछ फिल्मों ने कमाल कर दिखाया। मैंने आपको उन 5 फिल्मों के बारे में बताया। आपके हिसाब से क्या लगता है, किस तरह से कोई आने वाली फिल्में हो सकती है जो 100 करोड़ कमा सकती है? आपको कुछ कोई फिल्मों के ऊपर लगता है कि हाँ ये फिल्म 100 करोड़ कमा लेगी तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिलहाल ये जानने के लिए कि शिवाय और ए दिल है मुश्किल किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर अपना एक धमाल करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और बॉलीवुड खबरें पर चली आपको जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।